उसके पास फिर उम्मीदवार की चीज, ये सारी बातें देख करके हम उम्मीदवार उतारते हैं। और जब चाहे विधानसभा का गठन होता है, लोकसभा का गठन होता है, उसमें फिर कैडर के आधार पर एक विचार राजनीतिक दल का उभर करके आता है, उस विचार और सिद्धांत के आधार पर हमारी सरकारें चलती हैं। फिर कोई सांसद विधायक कोई नया बन करके आए, कोई पुराना जीत करके आए, इस बात का अर्थ छोटा पड़ जाता है और बड़े में उस विचार को लेकर के जो पार्टी संगठन चलता है उसके आधार पर सरकारी नीतियां चलती हैं। जैसे हमारी केंद्र में सरकार आने के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्या हरियाणा में मुख्यमंत्री जी की सरकार आने के बाद विधायक बहुत सारे नहीं थे, मेरे बराबर में पूर्व मंत्री कृष्णपाल जी बैठे हैं, कृष्णपाल जी बैठे हैं, ये भी नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का विचार सिद्धांत है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का मंत्र है, उस अंत्योदय के मंत्र को लेकर के आत्ममानव दर्शन जो एक राजनीतिक दर्शन दुनिया का श्रेष्ठ राजनीतिक दर्शन है उसके आधार पर हमारी सरकारें काम करती है। और जब कोरोना जैसी महामारी भी आती है तो उसी राजनीतिक इच्छा के बल पर सबको साथ लेकर के हमारा राजनीतिक नेतृत्व दुनिया की सबसे बड़ी महामारी से कुशलता के साथ अपने देश में अपना काम करता है। यह हमारे विचार है। और जहां बीजेपी का नीति कोई पहुंच जाए और उसके बाद धोखाधड़ी हुआ जो भी हुआ, इवन जो अरिंदी जिम्मेदार जी बैठे हैं हमारे में, इन्होंने भी बाद में कहा कि हमारे साथ छल हुआ, कपट हुआ, गलत हुआ, तो क्या आप की कभी कपटी के साथ ये एक बात कहना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि जब दो राजनीतिक दल आमने सामने होते तो सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते, इसमें कहीं कोई राय नहीं। अब विचार के आधार पर इस देश में अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी लड़ाई लड़ी। 1975 में कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे जनता पार्टी के बैनर के नीचे आए, उसके बाद श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज इस देश के अंदर एनडीए का गठन हुआ, पर गठबंधन की नई राजनीति का उदय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ। हम वो समय भी आते हैं जैसे वर्तमान में भी है, हम अपने अपने विचार के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं, और जब कई बार इस प्रकार का मौका आता है जब स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो आपस में विचारों की समानता के चलते इकट्ठे होकर के सरकार भी बढ़ाते हैं और सफलतापूर्वक चलाते हैं। जैसी सरकार आज 2 साल में चल रही है तो यहां की घटना आप बता रहे हैं, इसका निश्चित रूप से ये जो एक हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इसकी एक खूबसूरती मैं कहूंगा कि हम अपना जो विचार है, अपने जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आमने सामने भी होते हैं, और जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात की दूर होती है कि कोई दल सरकार बनाए बिना बहुमत की अगर हम असेंबली है तो उसमें मौका आता है तो एक साथ मिलकर के न्यूनतम सड़क प्रोग्राम बनाकर के सरकारें बनाकर चलाते हैं और सफलतापूर्वक अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर हमारी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेशक हमें स्पष्ट बहुमत मिला लेकिन बाकी दलों को भी साथ लेकर के चले और हरियाणा में हमारी सफलता की सरकार के साथ चल रही है। इस प्रकार के मौके राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आते हैं और भविष्य में भी कुछ प्रकार की कोई घटनाएं होती रहेंगी। दादाजी अभी आपने एक नारा दिया विकास का इसमें ये है, ऐसे 3 प्रमुख कौन से ऐसे विकास कार्य होंगे जो आप करो, 3 ही आप देखिए प्रमुख रूप से जो मैं इस क्षेत्र में आज से भी पिछले 20 साल से विवाद का कार्य करता था, जो हम ऊर्जा का कार्य करता था उसी में से लक्ष्य में यहां जो कृषि के क्षेत्र में लोगों ने अपनी मेहनत के कारण से तो तरक्की की है,
लेकिन जल भराव जैसी जो समस्याएं हैं आज भी इस विधानसभा क्षेत्र का इसलिए दाखिल के लगभग 500 एकड़ का रकबा है जिसमें पानी का भराव है। उस पानी के भराव को यानी कि जो सेब है उस सेब गरज क्षेत्र को ठीक करना ये हमारी जिम्मेवारी है। और ये एक रिपोर्ट की बात आज की बात नहीं कह रहा मैं, पिछली जो विधानसभा का मैं सदस्य था और अभय सिंह चौटाला भी उसके सदस्य थे तो मैंने विधानसभा में एक दिन उनके ऊपर एक टिप्पणी की थी ना कि अभय सिंह आपके क्षेत्र में जब हम फतेहबाद के भट्टू से उधर एंटर करते हैं चोपटा साइड से इलाहाबाद में तो वहां सेब गरज क्षेत्र शुरू हो जाता है। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं इसके निदान के लिए कुछ नहीं तो उसके बाद दुर्भाग्य से ये दो साल का समय कोविड के कारण से जरूर खराब हुआ, बीच में लोकसभा विधानसभा चुनाव आए लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस बात का संज्ञान लिया और पूरे सिरसा से सहित हरियाणा के कई हिस्सों में जहां सेब का पानी है उसको कम करके और किसान की खुशहाली आए इस बात का प्रयास शुरू हुआ है। योजना यहां 12,500 एकड़ की बन चुकी है और आप अगर जाएंगे इधर जाते ही हैं आपको कभी मैं दिखाऊंगा प्रतिभा और इसके आसपास गांव में इसी प्रकार समस्या थी हमारी सरकार ने उसका निदान करने का एक सफल प्रयास किया जो पानी कभी जमीन के ऊपर दिखाई देता था वहां जाकर भी आप देखेंगे तो 6 से 7 फुट पानी बढ़ जाता प्रमुख ये किसान के लिए कृषि क्षेत्र के लिए इस समेत जो भी आधारभूत ढांचे की जरूरत होगी चाहे उसमें सिंचाई का पानी के तक पहुंचाने की बात हो रही थी एक दो जगह दिक्कत थी उसका समाधान भी पीछे मुख्यमंत्री जी से कुछ किसान विरोधी करवाने की बात हुई थी उसके ऊपर ठोस बात भी। और अगली बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हैदराबाद में बहुत कुछ करने की जरूरत है इसको किया जाएगा। और तीसरी बात जो आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है बातें तो बहुत है लेकिन आपने 3 पूछे हैं तो बातें कितनी भी बताई जा सकती है लेकिन तीसरा है सरकारी जो योजनाएं हैं बहुत सारी योजनाएं वो विकास की योजनाएं भी हैं जन कल्याण की योजनाएं गरीबोत्थान की योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी सब योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की है उनका लाभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का हमारा मंत्र है अंत का अंतिम व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे ये हमारी नागरिकता में रहेगा और हम वो जल्दी आपके सामने जो इलाहाबाद के लिए हमारा जो घोषणा पत्र होगा उसको भी जारी करेंगे डिटेल में फिर जिस दिन करेंगे उस नाम से चर्चा कर एक सवाल उम्मीदवार का इनेलो से मुकाबला मानते हैं या कांग्रेस से। देखिए मैं एक बात कहता कि यहां की जनता को जिन जिन लोगों ने छलने का काम किया है एलनाबाद की जनता को और वो एलनाबाद की जनता उनको सबक सिखाने का काम फिर तीसरे पे कौन आएगा दूसरे पे कौन आएगा चौथे पे कौन आएगा कि हैदराबाद की जनता तय करेगी। और मैं एक बात तो विश्वास के साथ आपके बीच में कह रहा हूं तो हमारे पास शिक्षकों का फीडबैक है क्योंकि फीडबैक वैसे नहीं आता हमें जन कल्याण के काम किए जो गरीब व्यक्ति जो खास करके रोजगार की बात करें तो रोजगार आम आदमी के लिए जैसे मैंने कहा ना मैं और मेरा यहां चलता था हैदराबाद में हमारी सरकार आने के बाद कहीं पर एलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र से एक अनुसूचित जाति परिवार से हमारी एक बेटी पुलिस में ESI सब इंस्पेक्टर होती है एक किसी क्षेत्र का शायद एक अगौड़ी के आसपास उनको राजस्वी भर्ती हुई थी SCS उसमें वाल्मीकि समाज से
वो भर्ती होता है तो बेटी पुलिस में भर्ती उसके उसका परिवार तो भट्ठे के ऊपर ईंट बनाने का काम करता है, आज भी करता है। मैं कितने उदाहरण ऐसे बता सकता हूं, ये ऐसे उदाहरण हैं कि जनता को लगता है कि इस बार मौका है कि हम लोग ये ऐलाबाद के उपचुनाव के माध्यम से तो इस क्षेत्र में नौकरियों का सूखा रहा, इस क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं ठीक प्रकार से यहां का जो हमारा उसको कह सकते हैं प्रतिनिधि उसने प्रयास नहीं किया, उस प्रयास को सार्थक करने के लिए उम्मीदवार यहां से चुनकर के भेजने का मौका, बहुत सारी ऐसी बातें जो जनता के दिल के अंदर है। और 30 तारीख को जब चुनाव में जाएंगे तो निश्चित रूप से कमल का बटन दबा करके हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा उनको जिताने का काम आपके लिए है भाजपा और जनता गठबंधन के बाद ऐसा कोई एक उदाहरण दीजिए जो पर्ची छुट्टी सिस्टम पर खड़ा हो। देखिए उदाहरण एक देने की जरूरत नहीं है, जितनी भर्तियां हुई हैं ऑन रिकॉर्ड। नहीं जैसा आपने पहले चाहे मैं बता रहा हूं, देखिए एक मिनट के लिए आप सुनिए, आप हमारी सभा जो आई 2014 में उससे पहले की अगर बात है तो 1999 से लेकर के 2004 तक केवल 11,800 बच्चों को रोजगार मिला, 2005 से लेकर के 2014 तक 9.5 साल के कार्यकाल में 10 साल में लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिला और हमारी सरकार 85,000 से ज्यादा तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से और लगभग 4,800 के आसपास हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से रोजगार दिया। और एक एक बच्चे का उदाहरण अगर चाहोगे तो मेरे पास सूची है, मैं खाली नहीं बैठा हूं, रिकॉर्ड के साथ बैठा हूं, आपको उपलब्ध करवाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। 30 तारीख तक आपके बीच में है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए आमंत्रित है, आप सबका बहुत आभार। चुनाव प्रभारी सुभाष बराला जो कि ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर जानकारी दे रहे थे, आप अभी सुन रहे थे। ऐलनाबाद की जनता जो है वो छल कपट करने वालों को सबक सिखाएगी, ये कहना है सुभाष बराला का। देश में सभी अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे चुनाव प्रभारी सुभाष बराला की। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर कई सारी जानकारियां उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, सबका साथ सबका विकास ही बीजेपी का लक्ष्य है और यही लक्ष्य जो है वो ऐलनाबाद उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो अभय चौटाला ने ऐलनाबाद की जनता पर उपचुनाव थोपा है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। हम ये चुनाव बहुत अच्छे से लड़ेंगे, ये कहना है सुभाष बराला का। चुनाव प्रभारी हैं सुभाष बराला, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारी जानकारियां ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर दी। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद की जनता को हम विकास की राह पर ले जाएंगे और ये जो थोपा गया उपचुनाव है इसके बाद अब जो ऐलनाबाद है वो विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा।